अबे अबे किस काम की है तेरी ये नौकरी? क्या क्या मतलब? अबे दोस्त बनते हो तो वर्षा के लिए किया तुमने कुछ? एक ड्रग डीलर को गोली मार के हीरो बन गया बस। अबे जिंदगी बाकी है यार घुस खाने के लिए, एटलीस्ट लाइफ में कुछ तो ऐसा कर जो तूने पहले कभी ना किया हो। और कुछ नहीं तो वर्षा के लिए कुछ कर ले यार। अभी फ्री हो? क्यों? सब इंस्पेक्टर मोहित कुमार, क्राइम ब्रांच। सौरभ ये हैं वो लोग? सलाम अलैकुम। चुपा तीनों चल इसको। तेरी तो मुझे मालूम है तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताओगे। देखता हूं पहले तुम मुंह खोलते हो या मैं थकता हूं। ड्यूटी का वक्त है, फालतू की बातें करने का नहीं। मेरी माँ थी सर। कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लूंगा। तिहाड़ जेल क्यों गया था? सर उन दोनों टेररिस्टों से पूछताछ करने। क्या? सर उन दोनों टेररिस्टों से पूछताछ करने। किसके ऑर्डर से? समझ लगा शायद उनको इस केस के बारे में। इस केस के बारे में क्या? अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में? उन तीन जर्नलिस्टों में वो भी एक है ना। प्यार जाग गया, चले गए अपने दोस्तों के साथ रोब छाड़ने। तुमने उनको मारा, उसका नतीजा तुम्हें मालूम है। उन्होंने जिंदल को जान से मार दिया। अगर यह बात मैं मीडिया से कह दूं और लोगों को पता चले तो चौराहे पे जूते से मारेंगे तुमको। सर उन टेररिस्ट को कैसे पता चला कि मैं जेल जाके उनके आदमियों को? सवाल वो पैदा नहीं होता, सवाल यही है सर। जरूर उनका कोई आदमी है जिसने हम सब पे नजर रखी है। देखो जो गलत है वो गलत है, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो। हाँ मैंने गलती की है सर, क्योंकि मैं थक चुका हूं आपकी कोशिशों से। वही पुराने तरीके, रोड पे चेकिंग, होटलों में रेड, एयरपोर्ट पे नाकाबंदी, कुछ नहीं होने वाला है सर। एक हफ्ते से देख रहा हूं आप कुछ नहीं कर पा रहे। लगता है शायद आप भूल चुके हैं पुलिस काम कैसे करती है। इस काम के आपको कोई घूस नहीं दे रहा है ना? अगर मरने वाले की जगह तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो क्या करते? दोबारा जेल जाता और दोनों को काट देता। पछताओगे। इसे पहने रहोगे? इस वक्त तो मत डराओ। भाईजान बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के और भी तरीके हैं, उसके लिए अलग से पैसे दिए जाएंगे। जो काम सौंपा है सही तरीके से करो।
गलत जगह गलत काम नहीं करना चाहिए, जा।